सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं और कोर्स नंबर 10, कोर्स नंबर 11 और कोर्स नंबर 12 आपके दीक्षा पोर्टल पे अपलोड हो चुके हैं और आप 1 दिसंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 के मध्य इन कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, कोर्स नंबर 11 और कोर्स नंबर 12 को कंप्लीट करने में कुछ दिक्कत आ रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। अगर आपकी वीडियो नहीं चल पा रही तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी टेक्निक प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है तो अब आप इस प्रशिक्षण को कर सकते हैं। साथियों, कोर्स 11 को जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसमें गतिविधि नंबर 1 आएगी। तो गतिविधि नंबर 1 में चिंतन करना है, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक की मदद से आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गतिविधि नंबर 2 की। गतिविधि नंबर 2 आपकी कोई खास नहीं है, आपको केवल उसको पढ़ना है और उसमें जैसा बताया गया है आपको ऐसा करना है। उसके बाद बात करते हैं गतिविधि नंबर 3 की। गतिविधि नंबर 3 को हम किस तरह से करेंगे। गतिविधि नंबर 3 है हमारी भाषा सीखने के उद्देश्यों का अन्वेषण कैसे करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको गतिविधि नंबर 3 को करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गतिविधि नंबर 3, भाषा सीखने के उद्देश्यों का अन्वेषण कैसे करें। इसके भाषा के जो उद्देश्य होते हैं सीखने के, उनका हमें अन्वेषण करना है। इसके लिए हम अपने दीक्षा पोर्टल को ओपन कर लेते हैं क्योंकि आपको कोर्स वहीं पर करना है। आप जैसे ही कोर्स को स्टार्ट करेंगे दीक्षा पोर्टल पे, तो कोर्स को करते करते आप गतिविधि नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 कर, उसके बाद आपके सामने गतिविधि नंबर 3 आ जाएगी। इस तरह से गतिविधि नंबर 3, भाषा सीखने के उद्देश्यों का अन्वेषण, आप चलाएं पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चलाएं पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। इस तरह से आपके सामने एक पेज होगा, इसमें लिखा होगा इमेज हॉटस्पॉट का उपयोग करके भाषा सीखने के उद्देश्यों का अन्वेषण करना। इसमें आपको भाषा सीखने के उद्देश्य दिए गए हैं, 7 उद्देश्य इसमें दिए गए हैं। इसमें भाषा सीखने के उद्देश्य, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, देख लीजिए 7 उद्देश्य दिए हुए। पहला उद्देश्य है बच्चों में सामर्थ्य का विकास करना ताकि वह जो सुनते हैं उसे समझ सकें। नंबर 2, समझ के साथ पढ़ने की क्षमता का विकास करना। नंबर 3, सहज अभिव्यक्ति का विकास करना। नंबर 4, सुसंगत लेखन के कौशल को विकसित करना। और नंबर 5, विभिन्न प्रतिरोधों पर नियंत्रण पाना। नंबर 6, बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना। और नंबर 7, आपको संवेदनशीलता का विकास करना। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए जो सबसे पहला जो उद्देश्य है उसके ऊपर प्लस का साइन आपको दिया हुआ है, आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको बच्चों में सामर्थ्य का विकास करना ताकि वो जो सुनते हैं उसे समझ सके, ये हमें विकास करना है। तो इसका अन्वेषण हम कैसे करेंगे, प्लस के साइन पे टिक करेंगे। जैसे ही आप प्लस के साइन पे टिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा, विद्यार्थियों को सुनकर समझकर बातों को जोड़ते हुए संदर्भ स्थापित करने में कुशल होना चाहिए। यहाँ सुनने से आशय है केवल मौखिक भाषा की व्याख्या करना ही नहीं है, बल्कि सुनकर समझना और उससे अर्थ निकाल पाना भी है। अध्यापकों को यह ध्यान रखना है कि अधिगम से आश्रय केवल अर्थ जानना ही नहीं बल्कि भाषा का उपयोग वार्तालाप में करना भी है। इस पारंपरिक सोच का पुनः अवलोकन करना आवश्यक है कि सुनना एक निष्क्रिय कौशल है, लेकिन हम जानते हैं हम सुनते समय सक्रिय रहते हैं, इसलिए कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में समझ के साथ सुनने की क्षमता का विकास होना आवश्यक है। तो इस तरह से ये आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे आपको बैक का निशान दिया हुआ है, जो राइट का निशान दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से वहीं पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपको सभी उद्देश्यों का अन्वेषण करना है। इसके बाद हम दूसरे वाले को देखेंगे, दूसरे वाले पे फिर इसको हम पढ़ लेंगे।
इस तरह से इसको ध्यान से पढ़ने के बाद फिर पैक करेंगे, पैक करने के बाद तीसरे वाले को हम इस तरह से पढ़ लेंगे। इस तरह से हमें सभी को इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होगा और समझने की इन्हें कोशिश करनी होगी। इस तरह से हमारे सामने सात उद्देश्य हैं और सात उद्देश्य को हमें पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ अगर हम नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स भी बना लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे संबंधित एक ना एक प्रश्न आपका प्रश्नावली में भी मिल जाएगा। तो साथियों मुझे इतना ही बताना था इस गतिविधि में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए बेल के आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।